हनुमानगढ़ में कृषि भूमि की कुर्की और नीलामी को रोकने सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर के भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर विश्नोई के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष बलवीर विश्नोई ने बताया कि प्रदेश सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की थी, जिसके चलते किसानों ने केसीसी सहित अन्य तरह का श्रम और ब्याज अदा नहीं किए। अब प्रशासन किसानों की भूमि की नीलामी और कुर्की कर रहा है। हनुमानगढ़ ने आज जिला कलेक्टर को किसानों के संबंधित ज्ञापन दिया है, जिसमें कांग्रेस सरकार ने और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सरकार बनते ही 10 दिन के भीतर हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, जबकि स्थिति ये है कि 5-6 नोटिस तो मेरे पास है जिनकी आज की तारीख में किसानों की भूमि की नीलामी होनी है बैंक के पैसे के एवज में। तो कलेक्टर साहब को अवगत कराया है कि ऐसी नीलामी को रोका जाए। और दूसरा, जो सेमग्रस्त एरिया में बड़ोप्पड़ और झुरियावाड़ा पंपिंग स्टेशन, इनके पूर्ववर्ती शासन 2008 से 2013 के बीच में ट्रांसफार्मर चोरी हो गया था, इससे शर्म की बात। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।